नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी आटे का पिज्ज़ा। यह पिज्ज़ा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यह एक बाउल के अंदर मैंने एक कटोरी आटा लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच नमक, ये मैंने आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, एक चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल डालने से हमारा जो पिज्ज़ा है वो बहुत ही खस्ता बनेगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसका हम तैयार करेंगे एक सॉफ्ट डो। तो ये देखिए, हमारा आटा अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसको हम ढक के 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, 5-6 मिनट के बाद हमारा आटा है वो अच्छी तरह से फूल चुका है और एकदम से नरम हो चुका है। तो इसका अब हम तैयार करेंगे पिज्ज़ा बेस। ये मैंने एक कांटे वाली चम्मच ली है, इससे हम इसके अंदर छेद कर देंगे ताकि हमारा पिज्ज़ा है वो फूले नहीं। ये मैंने एक तवा लिया है, इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच घी। तवे को अच्छी तरीके से ग्रीस कर दिया है। तो ये मैंने अपना पिज्ज़ा डाल दिया है। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट के बाद हमारा पिज्ज़ा है वो पक चुका है। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज्ज़ा सॉस। तो ये देखिए, मैंने पिज्ज़ा सॉस लगा लिया है। ये मैंने मोजरेला चीज़ ली है जिसको मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम प्याज। देखिए, प्याज मैंने रख दिए हैं। ये मैंने शिमला मिर्च ली है और ये टमाटर हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न डालने से हमारा पिज्ज़ा है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो इसको पलटे की सहायता से अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। तो फिर से अब हम इसको तवे के ऊपर डालेंगे। तो ये देखिए, तवा हमारा गर्म हो चुका है। तो ये देखिए, पिज्ज़ा हमारा कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको हम ढक के 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखिए, पिज्ज़ा हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए।